ये चीज हमें जानना चाहिए कि मजालिम का मामला कैसा भी हो, अल्लाह के यहाँ हमें उसे लौटाना पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ हमें उसे लौटाना होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तुअद्दुन्नल हुकूक, तुम जरूर जरूर हको हुकूक को तुम्हें लौटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। इला अहलिहा यौमल क़ियामा, जो लोग उसके अहल हैं जिनकी तुमने ज्यादती की है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हत्त युकादल शातिल जलहाई मिनश शातिल करना, यहाँ तक कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उसका भी फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन करेगा। इसी से उलमा ने इस्तदलाल किया कि अल्लाह तबारक व तआला देगर हैवानात का भी हश्र व नश्र करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन देगर हैवानात का भी हश्र व नश्र करेगा, और इंसाफ दिला करके अल्लाह कहेगा कूनू तुराबा, मिट्टी हो जाओ, यानी उनका दायमी जन्नत का और जहन्नम का मामला नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका हश्र व नश्र हम इंसानों की इबरत के लिए करेगा, जिनों की इबरत के लिए करेगा। क्या आप देखो, ये अल्लाह का अदल है, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर अदना दर्जा भी ज्यादती और जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह ताला चाहे तो इंसान के सारे अमाल जानता है, ऐसे ही फैसला कर दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मीज़ान कायम करता है, मीज़ान पर उसके सामने उसकी नेकियां, उसकी बदमलियां तोली जा रही हैं। अल्लाह ने दुनिया में उसका निज़ाम किया है, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ اللہ نے اپنا ایک نظام قائم کیا، فرشتے اس کے نگراں اس کے محافظ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں وہ، اور وہ ہماری ساری چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور پھر وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہی چیز تم اللہ کے یہاں حاضر پاؤ گے۔ سورہ کاف میں اللہ کہتا ہے یہی سی چیز کو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر پاؤ گے، اور اس دن انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ میرے کوئی معمولی سے معمولی عمل کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑے سے بڑے عمل کو چھوڑا ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان حاضر پائے گا۔